कि हमने पिछले लेक्चर में किसके बारे में बात की थी। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देर आर थ्री प्रॉपर्टीज वी डिस्कस्ड इन डिटेल, राइट। हमने बहुत ही डिटेल में जाके वो बात की थी, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया हुआ है, राइट। तो ऐसी डिटेल में मैंने आपको सिखाया था कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, राइट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप ऑफ मैटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर आर देयर? देयर आर फाइव, बट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओनली एंड ओनली थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी बहुत सारे बच्चे को सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम होगा, क्योंकि हमने ये आप जो अभी स्टैंडर्ड से आ रहे हो वहां पे भी आपने सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में देखा ही होगा, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही जनरल प्रॉपर्टीज है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की, जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत ही डिटेल में मैं समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना है। मैं एग्जांपल्स भी बहुत दूंगा, जो कि आपके क्या बोलते हैं रूटीन लाइफ के अंदर आप देखते होंगे, वही एग्जांपल हम लेने की ट्राई करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में। इज इट विजिबल टू यू एवरीवन, यस और नो? ये आपको दिख रहा है सबको? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इज डेफिनेट स्टेट। डेफिनेट स्टेट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। डेफिनेट स्टेट क्या होता है कि आप अपने आसपास कोई भी ऐसी सॉलिड चीज ले लो, उसका एक फिक्स शेप होगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी सॉलिड ये चॉक पेन लिया, तो इसका देखो एक फिक्स शेप है, यानी कि ये सीधा है, लंबा है, थोड़ी और उसकी क्या बोलते हैं उसको स्फीयरिकल भी हम, उसका जो है एक फिक्स शेप है, राइट। इसको हम बोल सकते हैं फिक्स शेप। मान लो कि अगर हम हमारे ये गोगल्स की बात करें, स्पेक्स की बात करें, तो इसका भी एक फिक्स शेप है, राइट। हमारी बॉडी है, हमारा भी एक फिक्स शेप है। टेबल ले लो, चेयर ले लो, पेन ले लो, फैन ले लो, राइट, या फिर डोर ले लो, किसी का भी, यानी कि एवरी सॉलिड सॉलिड हैव अ फिक्स शेप। क्या बोल सकते हैं हम इसे? डेफिनाइट शेप, यानी कि फिक्स शेप होगा, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्टिंक्ट बाउंड्री। डिस्टिंक्ट बाउंड्री मीन्स व्हाट? कि उसकी एक बाउंड्री होगी सरफेस एरिया की। जैसे मान लो कि ये चॉक पेन है, तो इसकी एक बाउंड्री है कि यहां से लेके यहां तक इसकी आउटर सरफेस जो है पूरी की पूरी कवर हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कि फिक्स बाउंड्री है। ऐसा नहीं है कि वो लचीला नहीं है, कि वो कहीं पे भी फ्लो कर सकता है, ऐसा नहीं है। हम बोल सकते हैं इसकी एक फिक्स बाउंड्री है, राइट। यानी कि इतनी इसकी थिकनेस से, इससे ज्यादा नहीं है, इससे कम भी नहीं है। तो इसे हम बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट बाउंड्री। थर्ड प्रॉपर्टी है दे आर वेरी रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? कि उसके जो इंट्रामोलेक्यूल्स होंगे वो बहुत ही नजदीक होंगे एक दूसरे से, राइट। उसकी वजह से उसका इंटरमोलेक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये उसको ब्रेक नहीं होने देगा। आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते इजीली, राइट। तो हम बोल सकते हैं इसके जो इंट्रामोलेक्यूलर पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस बहुत कम है, उसकी वजह से दे आर वेरी रिजिड। दैट मीन्स रिजिड मीन्स क्या होता है कि बहुत ही सख्त, बहुत ही स्ट्रांग, या जिसे आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। तो सारी सॉलिड चीजें हैं जिसको आप इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं रिजिड। फिर बात आती है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मीन्स कि आप इसे प्रेस करना चाहो तो नहीं प्रेस कर सकते। आप अभी अपना प्रैक्टिकल करना चाहते हो, अपनी बॉल पेन को है ऐसे आप प्रेस करना ट्राई करो, क्या प्रेस होगा? आप बोलोगे सोच कर थोड़ा सा प्रेस हो रहा है, वो प्रेस आपकी बॉडी, आपकी जो ये स्किन है वो प्रेस हो रही है, ये जो है सॉलिड वो प्रेस नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इसमें भी यही फिनोमिना है कि उसके मोलेक्यूल्स जो है बहुत ही नजदीक है एक दूसरे के, इसकी वजह से वो प्रेस नहीं हो पाते, क्योंकि स्पेस है ही नहीं उसके बीच में, तो मोलेक्यूल्स जाएंगे तो जाएंगे कहां, राइट। सो इसे हम बोल सकते हैं इनकम्प्रेसिबल। फिर बात आती है डेफिनाइट वॉल्यूम, यानी कि आप इस पेन को अगर वेट करोगे तो मान लो इसका वेट आएगा 100 ग्राम, आपके मोबाइल का 150 ग्राम, राइट। दैट मीन्स एवरी सॉलिड हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी कि स्पेसिफिक वेट होगा। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई सॉलिड की। सबको समझ में आया, यस और नो? तो बढ़ते हैं आगे लिक्विड्स की ओर। तो लिक्विड्स कैसे होते हैं? तो उसके अंदर जो उसके जो मोलेक्यूल्स होते हैं उसके बीच
स्पेस थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड दे हैव मोर इंट्रामोलेक्युलर स्पेस बिटवीन देयर इंटरमोलेक्यूल्स, राइट। तो यहां पे बात करते हैं, एक तो पहली चीज कि लिक्विड हैव नो डेफिनाइट स्पेस, यानी कि आपने लिक्विड को इस बड़े बॉटल में भर दिया तो बॉटल की तरह वो स्पेस ले लेगा। मान लो कि आपने लिक्विड को ऐसे छोटी बोतल में फिल अप किया तो वो छोटी बोतल का जो शेप होगा वो ले लेगा। मान लो कि आपने लिक्विड को इस बॉक्स के अंदर फिल अप करोगे तो वो जगह ले लेगा। दैट मीन्स उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, आप जिस किसी में इसे पार करोगे उसी का वो शेप ले लेगा, राइट। तो ये पहला हो गया। दूसरा है नो डेफिनाइट बाउंड्रीज। क्या है? नो डेफिनाइट बाउंड्रीज, लिक्विड की कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर आपने लिक्विड को ऐसे आपने पोर किया तो आप अगर इस सरफेस पे रखोगे तो ऐसा फिक्स नहीं कि वो यहाँ ही रहेगा, राइट। वो यहाँ जैसे आप इसे थोड़ा ऐसे करोगे तो वो आगे चला जाएगा और क्या होगा, उसका स्लोप होगा, उसका ही पानी चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दे हैव नो डेफिनाइट बाउंड्री, जिसे हम बोल नहीं सकते कि ये इसकी बाउंड्री है। थर्ड है फ्लुइडिटी। फ्लुइडिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने अपने आसपास रिवर में भी देखा होगा, कैनल में भी देखा होगा, पानी फ्लो करता रहता है। आप अपने घर में जो टैप वाटर में पानी आता है, टैप में पानी आता है, आप बोल सकते हो कि वाटर कैन फ्लो, क्योंकि इसके मोलेक्यूल्स की प्रॉपर्टीज क्या है कि उसके बीच मोलेक्यूलर स्पेसिस बहुत कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सो सॉलिड को अगर आपको मूव कराना है तो आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? प्रेशर लगाना पड़ेगा। लेकिन लिक्विड को मूव करने के लिए हाँ ज्यादा फोर्स से लगाना है तो आप उसमें भी प्रेशर चाहिए। लेकिन आप इसे ऐसे डालोगे, अगर सॉलिड को आप ऐसे डालोगे तो यहाँ पे वो स्टेबल हो गया। लेकिन पानी को अगर आप यहाँ पे डालोगे तो पानी क्या करेगा कि जहां पे जगह मिलेगी वहां पे वो चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दैट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इज नोन एज अ फ्लूइडिटी, दैट मीन्स वॉटर कैन फ्लो, राइट। नेक्स्ट वन इज अ लो कंप्रेसिबल। क्या है? लो कंप्रेसिबल यानी कि आप इसे प्रेस करोगे तो वाटर भी ज्यादा प्रेस नहीं होगा, वो थोड़ा ही प्रेस होगा। यानी कि अभी मैंने इसको फुल बॉटल भर लिया है, पानी भर लिया है, और वापस से मैं उसे प्रेशर करके इसके अंदर पिस्टन लगा दे रहा हूं और यहां से कोई भी पानी का बाहर जाने की गुंजाइश नहीं है। तो अगर मैं वाटर को यहां से प्रेस करूंगा तो वाटर के मोलेक्यूल्स क्या करेंगे? ये जो वाटर के मोलेक्यूल्स है एक दूसरे के करीब आएंगे, राइट। करीब तो आएंगे लेकिन मिक्स भी नहीं होंगे, राइट। यानी कि दैट इज लो कंप्रेसिबल। आप इसे प्रेस कर सकते हो लेकिन इतना ज्यादा नहीं। अगर आपने बॉटल को ज्यादा प्रेस किया देन बॉटल क्रैश हो जाएगी, राइट। तो उसकी वजह से पानी बाहर निकल आएगा। दैट मीन्स वी कैन से वाटर आर लो कंप्रेसिबल, राइट। आप पानी को प्रेशराइज करोगे तो वो उसका फोर्स बढ़ा देगा, राइट। इसलिए आपने जेसीबी देखा होगा, राइट। तो जेसीबी के अंदर क्या रहता है? ऑयल रहता है, राइट। तो ऑयल्स का प्रेशर मेंटेन करके वो लोग उसके हैंडल्स को उसको संभालते हैं, राइट। तो इसके अंदर क्या रहता है? फ्लूइड रहता है। तो फ्लूइड से क्या करते हैं वो लोग? प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो आगे का हैंड होगा उसकी मूवमेंट होगी। प्रेशर कम करेंगे तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, राइट। सो वाटर यानी कि लिक्विड की वजह से वो वर्क करता है। तो इसे इसकी वजह से कि लिक्विड्स आर लो कंप्रेसिबल। अगर वो कंप्रेसिबल होता तो वो मूवमेंट आती ही नहीं जो जेसीबी में आनी चाहिए, राइट। तो हम बोल सकते हैं लो कंप्रेसिबल। दैट नेक्स्ट इज अ डेफिनाइट वॉल्यूम। यस, अगर आपने इसे बॉटल में भर लिया तो बॉटल में भाई 500 ml है। अगर आपने इसे स्मॉल बॉटल के अंदर फिलअप किया है तो इसका एक फिक्स हो गया कि इसके अंदर 50 ml ही मिलेगा, इसके अंदर 1000 ml ही आपको मिलेगा, राइट। तो इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि लिक्विड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? समझ लिए? बात करते हैं अभी गैस के बारे में कि गैस में क्या होगा। तो पहले हम गैस की फिगर देख लेते हैं कि इसके पार्टिकल्स जो रहते हैं, राइट। सो गैस हैव मोर इंट्रामोलेक्युलर स्पेस एज कंपेयर टू लिक्विड, यानी कि बहुत ही जगह है उसके मोलेक्यूल्स के बीच में, राइट। तो आप जैसे अभी एटमोस्फियर में भी देख रहे हो कि गैस इज प्रेजेंट इन एटमोस्फियर,
एटमॉस्फियर में उसका क्या है कि मोलेक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे क्योंकि उसके बीच में बहुत ही स्पेस है, तो ऑक्सीजन के मोलेक्यूल भी फ्लो करते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ले लो, कोई भी ले लो, गैस मोलेक्यूल फ्लो करते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहला एक तो हम देखे कि दे हैव नो डेफिनाइट स्टेट लिक्विड की तरह, राइट। आप गैस को बॉटल में भी फिल कर सकते हैं, जैसे कि आप देखते हो हमारे घर पे जो सिलेंडर आता है, राइट, गैस सिलेंडर, तो इसकी साइज होती है मान लो इतनी, और हमारी गाड़ी में जो सिलेंडर रहता है इसकी इतनी आधे, तो दोनों में अगर आप गैस फिल करोगे तो जैसा सिलेंडर वैसा सेट, राइट, जैसा सिलेंडर वैसा सेट, यानी कि जैसा वेसल होगा वैसी वो शेप क्रिएट कर लेगा। तो पहला हो गया कि उसका शेप फिक्स नहीं है, राइट। दूसरी चीज, नो डेफिनेट बाउंड्री, इसमें भी कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसा नहीं कि वो यहाँ आके स्टॉप हो जाएगा, राइट, उसमें भी कोई बाउंड्री नहीं है। देन वो भी फ्लो कर सकता है एज कंपेयर टू लिक्विड। तो वी कैन से जैसे लिक्विड फ्लो करता है वैसे ही गैस फ्लो करेगा, लेकिन दोनों की स्पीड में डिफरेंस होगा, लिक्विड से भी ज्यादा हमारा जो गैस है वो फ्लो ज्यादा करेगा, राइट। देन हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसका मतलब क्या है हाई कंप्रेसिबिलिटी, जितने दूर मोलेक्यूल से उतना ज्यादा आप उसको प्रेशराइज कर सकते हो, जितने मोलेक्यूल्स के बीच में जगह होगी इंटर मोलेक्यूल्स में उतना ज्यादा इसे आप प्रेस कर सकते हो। इसलिए जब आप कभी अपने पापा के साथ गए होगे गैस स्टेशन पे, आप गैस फिलअप करवाते हो तो वहां पे एक बड़ा सा मीटर रहता है जिसके अंदर प्रेशर लिखा रहता है, तो कभी कभी हम बोलते हैं कि प्रेशर इज वेरी लो, और एल्स बोल सकते हैं प्रेशर इज हाई, राइट। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा इतना ज्यादा हम सिलेंडर में उसको आराम से फिट कर पाएंगे, राइट। तो ये हो गया उसका कंप्रेसिबिलिटी, भैया आप गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या आता है, किसको मालूम है, कंप्रेस नेचुरल गैस, राइट। फिर हमारे घर पे जो आता है एलपीजी, इसे बोल सकते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट। तो ये हो गया दे आर वेरी कंप्रेसिबल, नो डेफिनाइट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम डेफिनाइट नहीं है एटमोस्फियर में, देखो आप जिसे आप डेफिनाइट नहीं बोल सकते, राइट। तो ये चीजें हो गई सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में, एनी डाउट, ओके, देन सी यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।